नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिड़चिड़ेपन के बारे में, जिसे कि हम इरिटेबिलिटी भी कहते हैं। दोस्तों, चिड़चिड़ापन क्या होता है? तो चिड़चिड़ापन एक उत्तेजना की भावना होती है, और जब आप चिड़चिड़े होते हैं तो आप आसानी से निराश हो जाते हैं या फिर आसानी से परेशान हो जाते हैं। तनावपूर्ण स्थितियों में आप चिड़चिड़ाहट का अनुभव कर सकते हैं, और यह एक मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य समस्या का लक्षण भी हो सकता है। शिशु और छोटे जो बच्चे होते हैं वो अक्सर चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं, खासकर जब वे थके हुए हो या फिर बीमार होते हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चों के कान में इन्फेक्शन होता है या फिर पेट दर्द होता है तो बच्चे जो है अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं। बड़े लोग भी कई कारणों से चिड़चिड़ाहट महसूस कर सकते हैं, और यदि आप नियमित रूप से चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। आपको कोई अंतर्निहित समस्या हो सकती है जिसके उपचार की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि चिड़चिड़ाहट के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, चिड़चिड़ेपन है उसके कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि जल्दी परेशान हो जाना, बिना वजह आक्रामक होना, छोटी सी बात पर बुरा मानना, जल्दी क्रोध आना, और साथ ही साथ गुस्से में दूसरों के साथ मौखिक और कभी कभी शारीरिक दुर्व्यवहार करना, शिशुओं और छोटे बच्चों को शांत करना मुश्किल हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि चिड़चिड़ापन क्यों होता है, इसके क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो दोस्तों, कई चीज़ें चिड़चिड़ेपन का कारण बन सकती है, और इन कारणों को दो सामान्य श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें एक होता है शारीरिक और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक कारण। तो दोस्तों, बात की जाए मनोवैज्ञानिक कारण की, तो उसमें है तनाव, चिंता, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि मनोविदलता, साथ ही साथ ऑटिज्म। जबकि दोस्तों, बात की जाए शारीरिक कारणों की, तो उसमें है नींद की कमी, शुगर के स्तर में कमी होना, कान का इन्फेक्शन होना, दांत में दर्द होना, शुगर होना या फिर फ्लू होना। हार्मोन परिवर्तन करने वाली स्थितियां आपकी मनोदशा को प्रभावित कर सकती है, और इन स्थितियों की बात करें तो उसमें है रजोनिवृत्ति, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS और PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम, और साथ ही साथ थायरॉयड का बढ़ना और शुगर। और दोस्तों, बात की जाए अन्य संभावित कारणों की, तो उसमें है नशीले पदार्थों का प्रयोग करना, शराब का सेवन करना, साथ ही साथ निकोटीन की आदत छोड़ना और कैफीन की आदत छोड़ना। ज़्यादातर लोग समय समय पर चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, रात के समय आराम न मिलने पर ज़्यादातर लोग चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, और कुछ लोग अक्सर एवं नियमित रूप से चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो अपने डॉक्टर से मुलाकात ज़रूर करें, इससे आपको अपने चिड़चिड़ेपन का कारण समझने में मदद मिलेगी। अब हम दोस्तों जानेंगे कि चिड़चिड़ेपन का जो बचाव है वो कैसे होता है। तो दोस्तों, हालांकि चिड़चिड़ाहट को पूरी तरह से रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन कुछ तरीकों से गंभीर चिड़चिड़ेपन को कम किया जा सकता है। और इन तरीकों की बात करें तो इनमें है, अपने चिड़चिड़ेपन की वजह जानें, कैफीन और शराब का सेवन कम करें, कुछ समय शांत या फिर अकेले रहें, और अपना नज़रिया विकसित करें, अपने साथियों से मेल मिलाप भी बनाए रखें, और साथ ही साथ नकारात्मक बातों और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि चिड़चिड़ेपन का निदान जो है वो कैसे होता है। तो दोस्तों, यदि आप नियमित आधार पर चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं और आप इसका कारण नहीं जानते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें, वे आपको इसके संभावित कारणों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। वे आपकी मनोदशा को समझने और उसे सही दिशा में मोड़ने के लिए उपचार विकल्पों और रणनीतियों पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपके चिकित्सक आपके चिकित्सकीय इतिहास के बारे में पूछेंगे, और यह भी पूछेंगे कि आप कौन कौन सी दवाएं ले रहे हैं। चिकित्सक आपकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों के इतिहास के बारे में भी पूछेंगे, आपकी जीवन शैली की आदतें जैसे कि सोने की आदतें और शराब पीने की आदतों पर भी चर्चा की जाएगी, और आपके डॉक्टर आपके जीवन में तनाव के कारणों के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपके लक्षणों और चिकित्सा इतिहास के आधार पर वे रक्त और मूत्र विश्लेषण सहित एक या अधिक परीक्षणों की भी सलाह दे सकते हैं, और आपके रक्त में कुछ हार्मोन का स्तर हार्मोन असंतुलन को दर्शा सकता है, और आपके रक्त या मूत्र में ग्लूकोज का स्तर शुगर के बारे में बता सकता है। मूल्यांकन के लिए आपको मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक के पास भी भेजा जा सकता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि चिड़चिड़ेपन का जो इलाज है वो कैसे होता है। तो दोस्तों, चिड़चिड़ेपन का उपचार आपको जो दिक्कत है वो पूरी तरह उम्र पर निर्भर करता है। इसकी वजह यह है कि हर एक को अपनी अपनी और अलग अलग तरह की चिड़चिड़ेपन की दिक्कत हो सकती है, और इसकी सबके लिए एक कॉमन वजह नहीं होती है। चिड़चिड़ेपन का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका है इसके अंतर्निहित कारण को ठीक करना। दोस्तों, यदि आपके डॉक्टर आपकी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का निदान करते हैं तो वे आपको परामर्श के लिए एक विशेषज्ञ के पास भेज सकते हैं, और इसके साथ ही मनोदशा को नियंत्रित करने में मदद के लिए दवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
टॉक थेरेपी और दवाएं अक्सर मनोदशा विकारों जैसे कि डिप्रेशन के इलाज के लिए संयोजन में प्रयोग की जाती है। अगर आपके डॉक्टर को संदेह है कि आपका चिड़चिड़ापन अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन या फिर अन्य ड्रग्स की अपनी लत छोड़ देने के कारण होता है, तो वह टॉक थेरेपी और दवाओं के संयोजन का उपयोग कर सकते हैं और इनके उपयोग से आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यदि आपके हार्मोनल असंतुलन का निदान किया जाता है तो आपके डॉक्टर हार्मोन प्रतिस्थापन चिकित्सा यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की सलाह दे सकते हैं और यह उपचार हर किसी के लिए सही नहीं होता है। अपने डॉक्टर से बात किए बिना हार्मोन की खुराक लेना शुरू ना करें और यदि आपको इन्फेक्शन के कारण चिड़चिड़ापन हो रहा है तो इन्फेक्शन को ठीक होने पर चिड़चिड़ापन भी ठीक हो जाएगा। आपके डॉक्टर इसका इलाज करने में मदद के लिए एंटीबायोटिक दवाओं या फिर अन्य दवाओं का उपयोग कर सकते हैं और आपके डॉक्टर आपकी मनोदशा को नियंत्रित करने में मदद के लिए जीवन शैली में बदलावों की सलाह भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए वे आपको कुछ चीज़ों में बदलाव के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं जैसे कि आहार, व्यायाम, नींद की आदतें, तनाव प्रबंधन। और ऐसे में हमेशा अपने डॉक्टर से अपने निदान, इलाज के विकल्पों और उनके दूरगामी परिणाम वगैरह के बारे में जरूर चर्चा करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।